हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वैकेंसी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास शाखा। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र, यानी कि जो वैकेंसी है यह संविदा पर निकाली गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 6132/2023-24 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20/9/2023 के तहत मिशन शक्ति अंतर्गत आने वाली समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिले में जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु जिले में योजना अंतर्गत भारत शासन के निर्देश अनुसार संविदा एक मुश्त वेतन के कुल 8 पदों का प्रावधान है। उक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु दिए गए निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 5/2/2024 से 7/3/2024 तक, यानी कि मार्च की 7 तारीख तक आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग कलेक्ट्रेट के सामने जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ में आमंत्रित किया जाता है। यानी कि इस वैकेंसी के आवेदन को आपको ऑफलाइन ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ जिला नारायणपुर कलेक्ट्रेट में जमा करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र हेतु पदों का विवरण। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पद, ये पदों की संख्या, निर्धारित वेतनमान और वेतन मैट्रिक्स में लेवल और अनिवार्य योग्यता। जिला मिशन समन्वयक की जो वेतन है वो 31,450 रुपए होने वाली है। अब बात करते हैं जिला मिशन समन्वयक के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समाज स्वास्थ्य, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री, संबंधित क्षेत्र का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। दूसरा पद जो है वो है जेंडर विशेषक। जेंडर विशेषक की सैलरी की बात करें तो 25,780 रुपये होने वाली है। और इसकी जो अनिवार्य योग्यता है वो सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता, यहाँ पर भी 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पदों की संख्या, निर्धारित मासिक वेतन और वेतन मैट्रिक और अनिवार्य योग्यता। दोस्तों अब आगे आप स्वयं देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पद ठीक है और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो अपने आप यहाँ से आप निर्धारित कर सकते हैं। यदि मैं सब कुछ बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको स्वयं पढ़ें। धन्यवाद।
दोस्तों यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं और इस वैकेंसी के बारे में फुल जानकारी देखना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF की लिंक डाल देंगे, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।